अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी, हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मालखा के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90530 90570। स्टडी इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईलेट्स, वेरी लो चार्जेस, एक्सीलेंट वीजा सक्सेस रेट, नेक्सन वीजा कंसल्टेंट, 1090 रामगोपाल स्ट्रीट, विश्वन स्वरूप कॉलोनी, पानीपत। कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon so never miss any new updates. बिजली के बिल ज्यादा आने से उपभोक्ता हुए परेशान, अधिकारी नहीं ले रहे सूद। घरों में गंदे पानी की सप्लाई होने से देवी मंदिर रोड के निवासी परेशान, नहीं हो रही सुनवाई। नगर निगम कर्मचारियों की मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कॉलेज में बढ़ी फीस को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं पिंकी धीमान। आज की गतिविधियों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जिले के अधिकांश उपभोक्ता बिजली विभाग से किस कदर परेशान हैं। बिजली के कर्मचारी कई कई महीने तक मीटर की रीडिंग लेने भी नहीं आते, फिर भी इसके बावजूद उन्हें बिजली के अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। सुधार के लिए उपभोक्ता आज किला स्थित बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उपभोक्ताओं को ऑफिस पहुंचने पर जिम्मेदार अधिकारियों के नहीं मिलने से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिल में गड़बड़ी की उपभोक्ताओं की परेशानी लंबे समय से बनी हुई है। कई महीने बाद अचानक रीडिंग दिखाकर अनाप शनाप बिजली बिल भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, जो उपभोक्ताओं के समझ से परे है। समस्या ये आ रही है, हमारा 3-4 महीने से रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं आ रहा। बिजली मीटर जो रीडर है वो मौके पे पहुंचता नहीं है, अंदाजे से लिख के भेज देता है। 4-5 चक्कर लगाए मैंने इनसे, एसडीओ से कहा, परमिंदर से बोला भाई हमारी रीडिंग लेना, लेकिन उन्होंने कहा भाई दिशांत को भेज देते हैं। दिशांत ने एक महीना पहले रिपोर्ट बनाई, मौके पे फ़ोटो खींची, जो परमिंदर है उसको भेज दी, जो आपके कंप्यूटर पे है। तो इन्होंने बोला मैंने बिल बना दो, ये कहते हैं ये बाइंडर है जी। तो अब इससे पहले मैं 4-5 दिन आया, आज भी कहते हैं एक हफ्ते बाद आना, बाइंडर है, आज भी बाइंडर कह रहे हैं। जबकि ये जो बोर्ड बनी हुई है ये इनके बंदे के द्वारा बनी हुई है, एक महीना पहले बनी हुई है। ये कहते हैं भी ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसको ऊपर वाले मानने के लिए। भाई रिपोर्ट तो आपके आदमी ने बनाई है, बाइंडर लगा आपकी गलती है, बिजली बोर्ड की गलती है या कंप्यूटर की गलती है, कस्टमर की गलती तो कोई नहीं है। ये कहते हैं अभी बाइंडर लगाओ या रोड पुरानी है, हम इसके हिसाब से बिल नहीं बनाते। मैंने बोला तुम तो मैंने इनसे बिल कटवाया, ये कहने लगे कि आपने बिजली बोर्ड से पैसे लेने हैं, इनका बिल ये बता रहा था। मैंने कहा नहीं, हमने देना है बिल के, हम पैसे देने को तैयार है, बिजली बोर्ड पैसे लेने को तैयार नहीं है। कब से समस्या आ रही है आपको? ये तो आ रही है, अरे 3 महीने हो गया समझा। तो कोई सुनवाई? सुनवाई धक्के खा रहे हैं, तक 2 महीने हो गए। देखो एक्शन की रिपोर्ट है ऊपर, एसडीओ की रिपोर्ट है। क्या ना तो कोई रीडिंग लेने जाता भाई, अरे अंदाजे से अपना रीडिंग लगा में भेज दें, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, इतनी तो अभी भी रीडिंग नहीं, इतना बिल आ गया अभी। तो आप कब से परेशान हो रहे हैं आप? 6-7 महीने हो गए परेशान हो रहा हूँ धक्के खा खा के। तो कोई सुनवाई तोड़ के कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई। जो हमारी मीटर रीडिंग की और बिल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है उसको हमने काफ़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हमारी मीटिंग भी कल इसके रिगार्डिंग हुई है। बिल की मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है पानीपत में, जो उसके रिगार्डिंग हमारी कल एमडी साहब से भी मीटिंग हुई है। तो विद इन 15 डेज हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे हमें अपना एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाना पड़े, वो भी हम लाइनमैन्स को प्रोवाइड करेंगे। हम वीकेंड्स पे जो मीटर रीडिंग की प्रॉब्लम है, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, उसके
उसको हम अपने लाइनमैन से चेक करवाएंगे। अगर ये प्राइवेट वाले लोग जो BCITS कंपनी है वो अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं कर दिया है तो हम उनके साथ मिलके इस इशू को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमें 15 डेज का टाइम मिल हायर अथॉरिटीज ने दिया है तो इसको हम 15 डेज में लगभग सोल्व करने की कोशिश। वार्ड नंबर 9 स्थित देवी मंदिर रोड पर वहां के स्थानीय निवासी पिछले कुछ दिनों से गंदे पानी की सप्लाई से काफी परेशान हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग के खिलाफ आज उन्होंने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गली वाले कई बार पार्षद और विधायक के पास अपनी समस्या को लेकर जा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि उन्हें बदबूदार पानी से निजात मिल सके। 291/1 पड़ता है देवी मंदिर रोड, तो ये 1.5-2 महीने से पानी ऐसा आ रहा है, बिल्कुल गटर का पानी, बिल्कुल पानी में स्मेल आती है, पानी पिया नहीं जाता, तो लीवर वगैरह और दिक्कत आती है इसमें। इंसार बाजार देवी मंदिर रोड है जो कि यहाँ 2-3 महीने से पानी गंदा आ रहा है। हमने पीछे विधायक से बात करी थी, उन्होंने मौके पर अपने PA भेजा था। PA जी ने कहा कि 2-3 दिन में पानी ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी भी यहाँ मौके पर आया था, उन्हें 1-2 दिन का टाइम दिया था, पानी ठीक हो जाएगा। वो क्या है कि सुबह पानी 1 घंटा भी गुस्से ही आ जाता है, उसके बाद तो पूरा दिन ही गंदा पानी है। लोगों को बाहर से बोतलें लेकर पानी पीना पड़ रहा है। इतना गंदा पानी है, जैसे डाई का पानी होता है वैसे ही पानी आ रहा है, आपके सामने ही है। पूरा कॉलोनी वासी परेशान है इस पानी समस्या को लेकर। अबे 2-2.5 महीने हो गया, पानी इतना गंदा आ रहा है, ना पी सक रहे हैं, ना कुछ। 20 लहरी की बोतलें मंगाते हैं या देवी मंदिर से भरने जाते हैं। यहाँ पूरी पूरी गली में ऐसे गारे वाला पानी है। हमने पहले भी शिकायत करी थी, पानी भी दिखाया था, ऐसे ही आए थे प्रेस वाले, तब भी गंदा पानी लेके गए। लेकिन इस टाइम पे हम इतने बहुत ही मजबूर हो पड़े हैं रहने के लिए, गांव से भी बदतर हो पड़ी हमारी यहाँ जिंदगी। हमारे यहाँ पे पानी बहुत ही गंदा है, ना बच्चे ब्रश कर सकते हैं, ना नहा सकते हैं, बहुत स्मेल वाला पानी है, नाली वाला जैसा, नाली जैसी स्मेल है बिल्कुल। 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो आप लोगों ने किसी की शिकायत की इसकी? पहले की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, अब फिर दोबारा से की है। आज नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा उनकी मानी गई मांगों को लागू ना करने के विरोध में नगर निगम के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम पानीपत के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें परेशानियां हो रही हैं। अब फिर उन्होंने सरकार को अपनी मांगों को लागू करने के लिए अपील की है। हमें पीछे 16-17 दिन की हड़ताल करनी पड़ी थी 2018 में, हमारा समझौता आया था सरकार के साथ, हमारे राज्य कार्यकारिणी के नेताओं के बीच में हमारी मांगें मानी गई, मांगों को जायज बताया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसलिए कुरुक्षेत्र में हमारे संबंध के अंदर ये बातचीत हुई, राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि तब तक विधानसभा का इलेक्शन नहीं आता तब तक हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ इसी तरह राज्य के आह्वान पर हर नगर पालिका परिषद और निगम इसी तरह धरने प्रदर्शन आंदोलन जारी। 2 मई 2018 में नगर पालिका ने एक बहुत लंबा आंदोलन लगाया और उस आंदोलन के बातचीत जब सरकार ने करी उसमें नगर पालिका की केंद्रीय कमेटी से सरकार ने कुछ मांगों पर वादे किए थे, जिसमें ठेका प्रथा को बंद करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जो कच्चे कर्मचारी उनको EPF/ESI की सुविधा देना, कर्मचारियों को समय पर वेतन देना, पेंशन जिन जो कर्मचारी गए उनको समय पर पेंशन देना और ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग की नीतियाँ समाप्त करना। परंतु अफसोस की ये बात है, सरकार ने 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उसमें से कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया, तो इसी क्रम अब नगर पालिका की केंद्रीय कमेटी ने फैसला किया है। अब 2 दिन झाड़ू प्रदर्शन किया है शहर में घूमते हुए और 7 तारीख को करनाल में मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रैली होगी, और इसके बावजूद भी अगर सरकार ने बातचीत नहीं मानी तो 8 और 9 जुलाई को फिर कर्मचारी ही शहर में झाड़ू का प्रदर्शन करते हुए आगामी आंदोलन की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहाँ।
आंखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। जी जी आई नई डगर सारी सोच नई है, तलाश अपनी खत्म यही है। अरमां है जितने भी सारे पूरे होने यही है। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। International study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। भारतीय विद्यार्थी परिषद की पानीपत इकाई ने आज देश बंधु गुप्ता कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण कॉलेज की फीस को बढ़ाया जाना बताया जा रहा है, तो वहीं डीडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज के गेट का ताला खुलवाया और साथ ही कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं के दाखिले होना शुरू हो गए हैं, तो वहीं कॉलेज में बड़ी फीस को लेकर छात्रों में खासी नाराजगी देखी जा रही है, जिसके विरोध प्रदर्शन करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने देश बंधु गुप्ता कॉलेज के बाहर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कॉलेज की फीस को कम किया जाए। तो वहीं एबीवीपी की पानीपत इकाई के जिला संयोजक प्रेम वर्मा का कहना है कि अगर सरकार बढ़ी हुई फीस को कम करते हुए उनकी मांग नहीं मानती है तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। तो वही विद्यार्थियों का भी कहना है कि एक गरीब परिवार के बच्चे अगर पिछले साल के मुकाबले दुगनी हुई फीस दे सके तो वो सरकारी कॉलेज में दाखिला क्यों लेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो पानीपत इकाई है और जो देश बंधु गुप्ताराज के महाविद्यालय छात्र संघ है, इसकी तरफ से इस गेट को ताला मारा गया है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो बढ़ी हुई फीस है जो विद्यार्थियों की पिछले सेशन से और इस सेशन से फीस बढ़ा दी, जो जिस कॉलेज की फीस पिछले साल 4500 रुपये थी, इसकी उस साल इसकी 7500 फीस कर दी है, जो 2200 थी वो 5000 कर दी है। ये बताओ जी, जो आम जो गरीब परिवार से बच्चा पढ़ने आ रहा है वो 5000 फीस कहाँ से देगा जी? उसे 5000 फीस देने लायक है तो वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों जाएगा? वो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा या कुछ और करेगा? तो हमने एक हफ्ते पहले कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि भाई हमारी मांग ये है कि हमारी फीस कम कर दी जाए, उसके बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो आज हमारे को ये प्रदर्शन करना पड़ा, गेट पर ताड़ा मारना पड़ा। अब अगर अब भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लगातार प्रदर्शन करेंगे, और फिर भी नहीं होते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पानीपत के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की ऐसी समस्या नहीं है, जितने भी संस्थागत कॉलेज है, तीनों कॉलेज, आर्य कॉलेज, आईबी कॉलेज और एसडी कॉलेज, उनमें एक सब्जेक्ट की 6000 रुपए फीस एकदम बढ़ा दी गई है। एक सबसे पहले सोल्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज से होगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से सोल्यूशन होगा तभी तो जाकर हम किसी संस्थागत कॉलेज को कह पाएंगे कि देखो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से ये सोल्यूशन हुआ है। और एक गरीब परिवार का, मिडिल परिवार का बच्चा जिसके दो बच्चे हैं, 6000 रुपये फीस 12000 रुपये हो गए, कहाँ से भरेगा वो व्यक्ति? इसलिए सरकार से हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है कि फीस
जो पहले थी वही ठीक थी। पिछले बार 500 रुपए बढ़ाई थी तो किसी बच्चे ने कोई आक्रोश नहीं हुआ क्योंकि उनकी जेब के हिसाब से वो भर पाए, लेकिन अब एकदम 6000 रुपए सरकार फीस बढ़ा दी तो कौन भरेगा। तो वही DDPO ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से ज्ञापन लेते हुए उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि कॉलेज की फीस को कम या ज्यादा करने का निर्णय सरकार लेती है। बच्चों की मेन डिमांड ये है कि जो फीस है वो इस बार सरकार ने बढ़ा दी गई है, तो उस फीस को कम करवाने के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनका ज्ञापन है वो सरकार को भेज दिया जाए, क्योंकि फीस बढ़ोतरी का जो निर्णय होता है वो स्कूल प्रशासन कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता और न ही जिला प्रशासन द्वारा लिया जाता है। फीस बढ़ोतरी के मामले हैं वो सरकार द्वारा विचारित होते हैं और सरकार ही उसमें डिसीजन लेती है। तो इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसकी कॉपी DHE को भी भिजवा दी जाएगी, शिक्षा मंत्री जी को भी भिजवा दी जाएगी, उसके बाद में जो सरकार निर्णय लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। HSEB वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने आज XCN के ऑफिस के बाहर कच्चे कर्मचारियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सिटी यूनियन के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि नए शिफ्ट अटेंडेंट की ज्वाइनिंग के बाद लोकल मैनेजमेंट ने कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि निगम मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। प्रदर्शन अभी हमारे रेगुलर ने ज्वाइन किया है, उसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट के अच्छे लगे हुए थे उनको अधिकारियों ने पिछले 20 दिनों से घर बिठा दिया। CM की अप्रूवल है, इनको वीकेंड पोस्टों पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ये अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए निगम मैनेजमेंट के फैसले को भी नहीं मान रहे। लोकल स्तर पर इन्होंने अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए इन लड़कों को घर पर बिठा दिया। पिछले 20 दिन से घर बैठे हैं, जब भी हमने बात की एक्शन से बात की SC से बात की, कर रहे हैं, 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। पिछले 20 दिनों से हम इनके पीछे लगे हुए थे मजबूर होकर के, जब इन्होंने हमारी एक बात की सुनवाई नहीं करी, मजबूर होकर के हमने सोमवार से प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेजा ऊपर, भाई 41 आदमी हमारे पास सरप्लस हैं, इनको या तो हटा दिया जाए या इनको ALM के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाए। जब ये ऊपर आज तक ये सूचना नहीं दे रहे भाई इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है, ये अब भी अधिकारियों को ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये बता रहे हैं कि वो कर्मचारी लगे हुए हैं, अभी उनको हटाया नहीं गया, जबकि यहाँ पर पिछले 20 दिन से लोग सड़कों पर हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रधान महावीर सहरावत ने कच्चे कर्मचारियों के खिलाफ लिए गए फैसले की निंदा की है। जब तक कच्चे कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जो हमारे 41 कर्मचारी साथी युवा की गलत नीतियों के कारण घर पर बैठे हैं, क्योंकि जो नए ऐसे लगे हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई पुराना को हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी एक मांग थी, ऊपर विभाग से भी बात हुई थी हमारे स्टेट कार्यकारिणी की, मुख्यमंत्री मानना था कि जितनी वैकेंट पोस्ट है उन पर इन बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा क्वालिफिकेशन के आधार पर, तो उन्हें ऐसा नहीं करे। ये एक्शन और TS का SC चीफ ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि अभी तक उन्होंने ऊपर ये भी नहीं बताया है कि हमने इनको सरप्लस कर दिया, जबकि 20 दिन से ये कर्मचारी बाहर का रास्ता देखे हुए हैं और यूनियन ने आखिर में मजबूर होकर के ये आंदोलन करना पड़ा, और जब तक ये आंदोलन रहेगा जब तक ये कर्मचारी अपने काम पर वापिस नहीं आते। धनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा, फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली, हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बे का डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों दांत सर्जरी डिलीवरी फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज, कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर RC प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल RC प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा, LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड मलखा।